हेलो हेलो। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे एक मिट्टी का हरिया लेके। तो आप लोग जरूर सोच रहे हो इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो इसको मैंने आज मार्केट से खरीद के लेके आया है और इसको मैं अभी अच्छे से वॉश कर रही हूँ। लाइक मैंने एक दो बार दही जमाया है तो दही अच्छे से जमा नहीं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं मिट्टी के हरिया में थोड़ा सा दही जमाती हूँ। मैंने सुना है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आज इसीलिए मैं इसमें दही जमाने वाली हूँ। देखती हूँ कैसा रिजल्ट आता है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसको अच्छे से खौला के यहाँ पे मैंने रख दिया है। और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा, जैसे हो गया हल्का सा गर्म था तब इसको मैंने इसमें हरिया में डाल दिया। साइड में यहाँ पे जो रेडीमेड जो दही आता है 1 चम्मच ले लिया, उसमें मैंने दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। देन इसको इसमें डाल दिया है। फिर इसको भी अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी हरिया में, ताकि जमे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत बार जमाया है ऐसे नॉर्मल स्टील के बर्तन में, तो वो इतना अच्छे से जम नहीं पाता है मेरे से। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको मैं रख दूँगी ओवरनाइट जमने के लिए, और फिर मैं इसको सुबह को चेक करूँगी ये कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर, क्योंकि बिल्कुल भी टच भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं। और यहाँ पे मैं बंद कर ले रही हूँ, और गर्म भी रहेगा इसके अंदर काफ़ी, तो रात को मैंने छोड़ दिया। अब सुबह को मैं इसको देखने वाली हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं कैसा होने वाला। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको ओपन और चेक करने वाली हूँ जमा है कि नहीं। तो ये निकल रहा है फुल सस्पेंस के साथ, और जैसे ही निकला ये बहुत अच्छे से जम गया था। और इतना अच्छा मेरा रिएक्शन था, लगा नहीं था इतना अच्छा से जमने वाला था। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इतना अच्छा हिल भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और इसको फिर मैंने टेस्ट किया और बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा था। वीडियो अच्छा लगा था डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप भी इस तरीके से दही जमा सकते हो।